हेलो फ्रेंड्स, जब लोग अपनी सीट से मूवी देखने के बाद उठने लगे तभी रोहित शेट्टी का एक जबरदस्त सरप्राइज स्क्रीन पर रिलीज हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की सिम्बा में एंट्री की, जिस पर लिखा था सूर्यवंशी टेकिंग चार्ज 2019। और यह रोहित शेट्टी की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज था और उनकी अपकमिंग मूवी होगी जिसमे वह अक्षय कुमार को ले रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे सूर्यवंशी के बारे में बहुत सी अपडेट कि इसको कब रिलीज किया जाएगा और इसमें एसीपी अक्षय कुमार यानी सूर्यवंशी किसके खिलाफ जंग करेंगे। तो चलिए जानते हैं। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले सिम्बा मूवी का बता दे कि मूवी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए है और एक्शन सीन दिए रोहित शेट्टी ने क्या खूब और बढ़िया, और साथ ही जबरदस्त तड़का था कॉमेडी का। और फिर अक्षय कुमार जो के एक्शन सीन और मार्शल आर्ट के खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ रोहित शेट्टी जो के कॉमेडी और एक्शन को मिलाकर एक खूबसूरत एंटरटेनमेंट का मूवी देते हैं। और ये जोड़ी जब एक साथ काम करेगी तो फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो यह मूवी 2019 को रिलीज की जाएगी, जिसमें एसीपी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार आतंकवादी के खिलाफ जंग लड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस मूवी को 2019 को दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाएगा। और फैंस सिम्बा मूवी में अक्षय कुमार की एक झलक देखकर बेहद पागल हो गए थे, और जब यह सिम्बा मूवी स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी तब फैंस अक्षय कुमार को एक बार फिर वर्दी में देखने के लिए बेहद पागल हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि रोहित शेट्टी ने अपनी अपकमिंग मूवी सूर्यवंशी मूवी में अक्षय कुमार को लेकर सही डिसीजन लिया है या नहीं, और आप यह सूर्यवंशी मूवी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।